योग की पद्धति में मन को 16 हिस्सों में देखा जाता है। उन 16 हिस्सों को और भी विभाजित किया जाता है और उन्हें 84,000 हिस्सों तक ले जाया जाता है। 84,000 की बात करनी हो तो पहले से ही कुछ लोग हैं जो मना कर रहे हैं, तो मैं इसे 4 बना देता हूं। मैं 80 को निकाल रहा हूं, ठीक, मैं आप पर रहम कर रहा हूं, केवल 4। 4 बुनियादी हिस्से, इनमें से एक बुद्धि है। आज की आधुनिक दुनिया में हम बेमतलब बुद्धि को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं और इसके लिए हम भारी कीमत चुकाएंगे। आप ऐसी स्थिति में होंगे जहां आपको सब कुछ पता होगा लेकिन आपको जीवन के महत्व का कुछ मालूम नहीं होगा। अगले 50 या 100 सालों में अगर 25-50% लोग आत्महत्या कर लें तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन थोड़ा उत्साह चाहता है। अगर बिना अनुभव के आपको बहुत ज्यादा जानकारी हो जाती है तो वो उल्लास जा चुका होगा और आप में ज्ञान का एक झूठा भाव बहुत गहरा हो जाएगा। बुद्धि का यही खतरा है। तो मन का अगला आयाम, पहले को बुद्धि कहते हैं, दूसरे आयाम को अहंकार कहते हैं। अहंकार का मतलब ईगो वगैरह नहीं होता बल्कि पहचान होता है। जिस भी चीज से आपकी पहचान जुड़ी है आपकी बुद्धि सिर्फ उसी के इर्द गिर्द काम करती है। अगर आप अपनी पहचान को किसी देश से जोड़ते हैं, अगर आप कहते हैं मैं भारतीय हूं, तो हर भारतीय चीज सुंदर दिखती है। अगर आप सीमा के पार जाते हैं और कहते हैं कि आप कोई और हैं, तो वो सब सुंदर दिखता है। जिससे भी आप अपनी पहचान जोड़ते हैं उसी के साथ आपकी बुद्धि काम करती है। तो अहंकार पहचान है। आपके अहंकार का निर्माण कितने सचेतन तौर पर और कितनी स्थिरता से हुआ है यही तय करेगा कि आपकी बुद्धि कितनी असरदार है। मन के अगले आयाम को मनस कहते हैं, जो यादों का विशाल भंडार है। ये यहां वहां नहीं है, पूरे शरीर में यादें मौजूद हैं। तो इसे मनोमय कोष कहते हैं, यादों की विशाल गठरी। मन के चौथे आयाम को चित्त कहते हैं। चित्त का अर्थ है विशुद्ध बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस। ये यादों से दूषित नहीं है, इसमें किसी तरह की जरा भी यादाश्त नहीं होती। ये बस विशुद्ध बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस है। अगर आप इसे छू लेते हैं तब आपकी पहुंच उस तक हो जाती है जिसे आप सृष्टि का स्रोत कहते हैं। तो ये आपके मन के 4 आयाम है। दुर्भाग्य से आधुनिक शिक्षा पद्धति मानती है कि सिर्फ जानकारी ठूसने और बुद्धि को पैना रखने से ही सब कुछ हो जाएगा। नहीं, खुशहाली लाने के लिए आप इस धरती की चीर फाड़ करके रख देंगे, आप इस ग्रह को ही खो सकते हैं, या फिर आप किसी दूसरे ग्रह पर जा सकते हैं और वहां पर भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन खुशहाली नहीं आएगी। अगर खुशहाली होनी है तो आपको इसके भीतर थोड़ा ज्यादा गहरा खोदना होगा, वरना कुछ नहीं होगा।